दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू ओपन यूट्यूब डैशबोर्ड ऑन क्रोम ब्राउजर इन डेस्कटॉप साइट, यानी कि यूट्यूब डैशबोर्ड को कैसे अपने क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल करके ओपन कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग का तो ओपन हो गया, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके आ रहा है कि मेरा डायरेक्ट YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि YT मतलब यूट्यूब ओपन हो रहा था, अभी YT स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन वीडियो पर बंद नहीं रहेगा और अंत तक, और वीडियो को लाइक कर लिया दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके YouTube चैनल के डैशबोर्ड को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन कर रहे हैं, और वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को इनेबल करके फिर भी नहीं हो रहा है, यदि आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका YouTube स्टूडियो खुल ओपन हो जा रहा है डायरेक्ट, या फिर YouTube ऐप ही ओपन डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। आपको सबसे पहले उसको इनेबल कर लेना है। किसको? यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है और यहाँ से YouTube को ओपन करना है। YouTube आइकन पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद से आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है आइकन पर, और आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट अब YouTube स्टूडियो पर जब क्लिक करते हैं तो आपका YouTube स्टूडियो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि YouTube स्टूडियो ओपन ना हो, आपका क्रोम में ही ओपन हो, YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में ना जाए। तो आपको बैक कर लेना है सिंपल, और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना, अपना यहाँ पर लिख के आ रहा होगा योर चैनल। आपको अपने योर चैनल पे क्लिक करना है। जब आप अपने योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर दिख जा रहा है दो ऑप्शन आपको दिख जा रहा है, कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो। तो आपको अपने कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। जब आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका आपका जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडियो आपका ओपन हो रहा है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कंटिन्यू टू स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पर, ऐसे ऑप्शन आएगा पूछने का, तो आप उसको अलाउ कर देंगे और उसके बाद से आपका स्टूडियो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ओपन स्टूडियो ओपन हो चुका है, और उसके बाद से आप पर आपका जो लोगो भी यहाँ पर आपके यहाँ पर लोगो भी दिख रहा है। आप यहाँ से अपने लोग आप अकाउंट को स्विच कर सकते हैं, आपके पास दो तीन अकाउंट आपको स्विच करके चेक कर सकते हैं, और आपका स्टूडियो ओपन हो चुका है, यहाँ से आप सिंपली यूज कर सकते हैं।